ਰਾਜ ਖਾਨ ਜੀ ਜੋ ਬਾਤ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਮੇ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਚੇਅਰ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਥੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਚਾਰ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਨੌ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸਦਸਯ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਮੇਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮੇਰੇ ਆਚਰਣ ਕੋ ਪੂਰਾ ਸਦਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਰ ਚੇਅਰ ਕੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਸਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੇ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਮੇਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਉਸਕੀ ਕ੍ਸ਼ਮਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ। मैंने पहले भी कहा था, हमारी बहन समान है, बात कोई एक बात नहीं है, एक हजार बात है। बात वही है कि मैंने कहा कि चेयर के लिए कोई भावना ऐसी हो जो एक सदस्य की गलत हो, संभव नहीं है मेरे लिए। मैंने कहा था कि राजा अगर फिर भी कोई एहसास है तो मैं समझ जाता हूँ। ठीक है, सदन में ये हमारे सदस्य आजम खान ने जो चीज बोले, जो कुर्सी पर मैं बैठी हुई थी, वो अध्यक्ष और सभापति की कुर्सी है, पूरा हिंदुस्तान देखती है और पूरा हिंदुस्तान की महिला पुरुष सब को तकलीफ पहुंचा है। और इतना तकलीफ पहुंचा है कि इसका जो महत्व है इनको समझ में नहीं आएगा। कहा कि ये बाहर भी इसी तरह का ही बोलते रहे, इनकी आदत जो बिगड़ी हुई है वो जरूरत से ज्यादा बिगड़ी हुई है। लेकिन हम ये चाहते हैं वो बोलते क्या थे, इस तरह की बात सुनने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ। ये बात मानते हुए हमारे जो आदेश वो दिए हम उनका पालन करने के लिए खड़ी हूँ। ठीक है, माननीय सदस्य, ठीक है, ठीक है, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, नहीं नहीं नहीं, माननीय सदस्य, प्लीज 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 माननीय सदस्य, प्लीज प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं दो बार संसदीय कार्य मंत्री रहा हूँ, चार बार मंत्री रहा हूँ, नौ बार विधायक रहा हूँ, राज्यसभा का सदस्य रहा हूँ। मेरे भाषण मेरे आचरण को पूरा सदन जानता है। इसके बावजूद भी अगर चेयर को मेरे प्रति ऐसा लगता है कि मेरे से कोई भावना में गलती हुई है तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ।